एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कोशिशों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बीजेपी विधायकों को अपने क्षेत्रों में जाकर काम करने की नसीहत दी। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में विधायकों, जिला महामंत्रियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। बैठक में तय किया गया कि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के लिए जो बजट पेश किया है, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो दिल्ली के विकास में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने का इरादा छोड़ दिया है। दिल्ली कांग्रेस ने भी बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों पर उस वक्त पानी फेर दिया जब मीडिया के सामने कांग्रेस विधायकों की परेड कराई गई और सभी विधायकों के वफादार होने का दावा किया गया। कभी ऐसी बात नहीं थी, केवल कोरी अफवाहें थी। आम आदमी पार्टी ने भी एक बार फिर दावा किया था कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं। आम आदमी पार्टी के तो सारे विधायक एकजुट हैं, कहीं से कुछ नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक रामबीर सिंह बिदूड़ी ने दावा किया था कि दिल्ली में वे सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी के पास दिल्ली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं। इसके साथ ही सतीश उपाध्याय ने ये भी कहा था कि अगर उपराज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। दिल्ली से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए अतुल सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।